बंटाई क्या हाल चाल है आप लोगों के। सुबह सुबह का वक्त है, मजा आ रहा है अपने को। आज तो बहुत खुश है आपको। अगर आप सोचते हो मैं इतना खुश क्यों, तो मैं आपको बता दूं, बहुत दिन के बाद मैं जॉगिंग जाकर आया हूं। काफी रिलैक्स और काफी चल रहा हूँ महसूस हो रहा है। मतलब बोले तो एकदम क्या बंटाई क्या बोलते, तो ऐसा गाने का मन कर रहा है। एनीवेज बकवास नहीं करूंगा। सबसे पहले आप सभी को विश कर देता हूँ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और चलिए स्टार्ट करता हूँ प्रेडिक्शन बताने के लिए, वो भी नवे दिन का। अब आप सोचोगे कि भैया नवे दिन में क्या नया है, तो नवे दिन में ये नया है कि इस फ्राइडे यानी कि आज के दिन एक नई फिल्म रिलीज हुई है, वो भी हॉलीवुड की रिलीज हुई है, द एंग्री बर्ड्स 2। और उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छे लोगों ने आवाज दी है। किक्कू शारदा जो है ना, जो आते हैं इसमें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, सॉरी मतलब कपिल शर्मा शो, कॉपरेट का पंगो जाएगा ना, पुराने चैनल का नाम है ये। उसमें अर्चना पूरन सिंह जो बहुत हंसी के ठहाके लगाती है, उनकी आवाज है, कपिल शर्मा की आवाज है, रेड बने हैं वो, तो एक अच्छी खासी फिल्म आ रही। तो ऑफकोर्स बच्चों को इंटरेस्ट करेगी फिल्म, तो सीधी सी बात है स्किन काउंट तो कम हो गई होगा ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बोलने की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा सीन मैं आपको बताता हूँ, स्किन काउंट अगर कम हुआ तो कैसा होगा, 3,000 से 3,100 के आसपास स्क्रीन्स आप पकड़ लीजिए, उतना पकड़े ही थे हमने एक हफ्ते तक। अभी इसके स्क्रीन्स लगभग एकदम ज्यादा से भी ज्यादा कट हुआ तो मुझे जो लगता है वो 500 स्क्रीन्स कट होंगे, क्योंकि फिल्म का डिमांड है काफी अच्छा है। वही बात करें बाटला हाउस का भी डिमांड है, लेकिन मुझे ये अब डाउट है थोड़ा कि सेकेंड वीक में क्या ये स्टेबल बनी रहेगी, क्योंकि और फैमिली फिल्म नहीं है राइट, तो फैमिली फिल्म का जो एक ऑडियंस होता है वो अलग ही होता है। बट स्टिल वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि बड़ी बाहर की फिल्म राइट, इंडिया की कोई ज्यादा फिल्म आ नहीं रही स्पेशली बॉलीवुड सेंटर्स में। तो इसकी जो स्किन काउंट जो 2,000 से 2,100 के आसपास जो मुझे लग रही है 110% वो कम होगी लगभग 500 से 600, यानी कि इसका भी स्किन काउंट 1,400 से 1,500 के आसपास रहेगा। तो वहां से 500 से 600 स्किन्स पकड़ लो बाटला हाउस से, और यहां से 500 स्किन्स पकड़ लो, यानी कि 1,000 जो स्क्रीन है वो तो है ही है राइट। तो मुझे जो लग रहा है कि आप अगर नॉर्मल वे में देखो 2,500 और बाटला हाउस का 1,500 पकड़ लो, यानी कि 3,000 4,000 स्क्रीन राइट, 4,000 स्क्रीन। और एंग्री बर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर मुझे लगता है 1,000 स्क्रीन तो मिलना ही चाहिए, तो वो मिलकर 5,000 स्क्रीन हो जाए। बाद में और छोटी मोटी जो भी फिल्में होंगी उनको 500 स्क्रीन मिल जाए। सो दिस इज व्हाट आई फील लाइक काइंड ऑफ रेशियो विल बी एट द बॉक्स ऑफिस। नाउ कम्स टू वेरी अपने टॉपिक पे आते हैं, कल का कलेक्शंस मिशन मंगल का लगभग 6.75 करोड़ से लेकर 7.25 करोड़ के आसपास के बीच में नजर आ रहा है, और 127 करोड़ के आसपास का कलेक्शंस हो चुका है, 127 से 127.50 करोड़ ठीक है। और बात करें बाटला हाउस की, बाटला हाउस का जो कलेक्शंस नजर आ रहा है वो लगभग 4.50 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है, यानी 4 से 4.5 करोड़ के बीच में, और उसका टोटल नजर आ रहा है 60.50 करोड़ के आसपास, यानी 60.50, यानी कि लगभग 60 करोड़ से कमा लिया है। अब बात करते हैं दोनों ही फिल्मों के नवे दिन, यानी कि आज क्लैश तो ऑफकोर्स है, एक नई फिल्म भी आ रही, तो उसके अलावा जो डिक्लाइन बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है तो उसका एक फायदा जरूर होगा, और कई कई जगह छुट्टी भी है आज, आपको बता दो कुछ नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसी जगह जहां कुछ ऐसे स्टेट्स है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कुछ है ना, वो है क्या बताया शायद गवर्नमेंट में तो शायद है कि नहीं पता है, बट कुछ कुछ जगह जरूर होगा, और उसके फायदा जरूर मिलेगा दोनों ही फिल्मों को। मिशन मंगल मुझे लग रहा है यहां पर 5 से 6 करोड़ कमाने में कामयाब हो सकती है इतने स्क्रीन के ड्रॉप के बावजूद, और हाँ, और अगर बाटला हाउस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 करोड़ के बीच का कलेक्शंस कर सकती है कौन सी फिल्म, बाटला हाउस, और उस लॉजिक के हिसाब से जो मिशन मंगल का कलेक्शंस पहुंचेगा 132 से 133 करोड़, और बाटला हाउस का पहुंचेगा उसके बाद यानी कि आज के दिन के बाद लगभग 64 करोड़ के आसपास। तो मैं प्रेडिक्शन 5 से 6 करोड़ फॉर मिशन मंगल एंड बाटला हाउस के लिए 3 से 4 करोड़ का नवे दिन का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो भैया एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, ठोको सब्सक्राइब कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन दबा के रखो भैया, नोटिफिकेशन हर वीडियो का जरूर मिलेगा आपको। चलिए फिलहाल इतना ही।